हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो सिंपली अपने टेलीग्राम पर जाना है चैनल का नाम सर्च करना है ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर वीडियोज के वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाते हैं तो शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड कॉटन डे इज़ ऑब्जर्व तो वर्ल्ड कॉटन डे हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सेवन अक्टूबर यानी कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड कॉटन डे ओके देखो अगर मैं आपसे पूछूँगी लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे इंडिया का कौन सा है तो आपका आंसर होगा गुजरात ओके okay. अगर मैं आपसे पूछूं लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर ओवरऑल पूछूं आपका आंसर रहेगा चाइना चाइना ग्लोबली हमारे इंडिया की तरफ से गुजरात सात अक्टूबर को हमने यू you नो know, हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी एंड इस बार हम फिफ्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कॉटन डे की तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज एसोसिएटेड विद अ टर्म दैट इज़ सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो कहीं मेरे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि यू नो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन किस रिलेटेड फील्ड है कौन सी रेवल्यूशन के रिलेटेड है दिस इज़ सिल्वर फाइबर रेवल्यूशन ये क्वेश्चन कहीं मेरी पूछता तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंशन किया है मैंने ये आप ध्यान रखें सात अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डे आज आठ अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं आई नो तो वो भी मैं आपको इन एम सी के फॉर्मेट में कवर करवा दूंगा तो ये कुछ यही डिटेल्स जो मैंने आपको बताई यू नो सात अक्टूबर uh, 2019 में इनॉग्रल सेशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था नोबल प्राइज़ दिए गए इन यू नो नोबल प्राइज़ की शुरुआत हो चुकी है यू नो अनाउंसमेंट किया जा रहा है नाउ प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन अनाउंस कर दिए गए इन्हें सम्मानित किया गया इनको इनको अनाउंस किया गया एट कैरोल इन सा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक तो आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया गया फॉर द ईयर टू करेक्ट आंसर इज़ विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2024 अनाउंस किया गया इनका नाम ओके okay. इनको अनाउंस क्यों किया गया इनकी रिलेटेड फील्ड क्या है बेसिकली मेडिसिन है इन्होंने क्या किया है बेसिकली फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो आर एंड इट्स रोल इन द प्रोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन में इन्होंने काम किया एंड इन्हें सम्मानित किया गया नोबल प्राइज़ इन द ईयर टू नॉबल मेडिसिन प्राइज ओके देखो अब एक बार अनाउंस हो जाने दो सारे के सारे छः अनाउंस हो जाने दो उसके बाद प्रॉपर वीडियो लाऊंगा फिर डिटेल डिटेल्स हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं अभी इनका नाम आप याद रखो नॉबल प्राइज़ इन मेडिसिन किसे दिया गया दो पर्सनैलिटीज़ को दिया गया आगे बढ़ते हैं एंड पहला नॉबल प्राइज़ इन मेडिसिन किसे दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है ये नाइनटीन में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एम एल एड ऑफ बैरिंग ये फर्स्ट बने थे जिन्हें सम्मानित किया गया था एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सीरम थेरेपी इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप थेरी एंड टेटनेस वैक्सीन तो ये अडिशनल पॉइंट है ये आप जरूर याद रख सकते हो वर्ल्ड सैरबल पेलसी डे इससे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली ये एक डिजीज़ है रिलेटेड टू द ब्रेन तो ये जब बच्चा अभी माँ की पेट में ही होता है तो ये डिजीज़ बेसिकली ये ये डिजीज़ अगर कोरोना स्टार्ट हो जाती है तो इसी के रिलेटेड यू नो इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू अवेयर पीपल अबाउट टू यू नो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस डिज़ीज़ सैरिबल पालसी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया, किया जाता है सिक्स ऑफ अक्टूबर छः अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली डेवलपिंग ब्रेन में हमारी इफेक्ट करता है हमारी ब्रेन्स की डेवलपमेंट को प्रॉपरली नहीं होने देता दिस इज सैरिबल पायलिस एंड क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि ये डिजीज़ किसके रिलेटेड है तो आपको याद रखना याद रख सकते हो आप 6 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व करते दें रिलेटेड टू द ब्रेन डिजीज ओके एंड इस बारे की जो थीम रखा गया हैश टैग यूनिकली सी पी से डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी विद द सैरिबल पैलसी कम्युनिटी ओके तो ये आपको याद रखते हैं एंड ये कहता है कि द पर्सन विद दिस डिजीज़ इज़ यूनिक विद ओन इंटरेस्ट पैशन एंड उनका ना थोड़ा अलग ही लाइक टाइप ऑफ आप अगर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको अगर किसी को किसको ये इस तरह के इशूज़ है तो ऐसे वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख सकते हो बट इसका ना डेट आप याद रखें छः अक्टूबर को ऑब्जर्व के रिलेटेड टू द ब्रेन डिजीज़ हु हैज़ अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर बी आई आर बी आई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किए गए अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए ए विरल जैन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके ये याद रखें एंड यू नो आर की अगर मैं टोटल बात करूँ मैं टोटल uh, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे ट्वेंटी वन मेबर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं इसमें फ़ोर डिप्टी गवर्नर्स रहते हैं यू uh, नो you know, हमारे इसमें आपके टेन गवर्नमेंट नामिनेटेड डायरेक्टर्स रहते हैं फोर डायरेक्टर्स हु रिप्रजेंट लोकल बोर्ड फ्राम मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड दैली ओके okay, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इक्कीस मेंबर का टोटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइट right नाउ अगर मैं आर बी आई की यू नो you know, की बात करूँ गवर्नर कौन है राइट right नाउ वो है शक्तिकान दास वो आपको पता है आगे बढ़ते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ़ बी सी सी आई एंटी करप्शन यूनिट तो बी सी सी आई का एंटी करप्शन यूनिट है कोई भी मैच फिक्सिंग हो रही है कोई भी इशूज़ हो रहे हैं रिलेटेड टू क्रिकेट तो उसको देखते हैं तो किसे अपॉइंट किया गया न्यू यू नो बी सी सी आई के एंटी करप्शन यूनिट के हेड ये हैं शरद कुमार शरद कुमार को रिसेंटली आई पी एस ऑफिसर है इन्हें अपॉइंट किया गया दैट विल लुक अवर यू नो रिगार्डिंग द इशूज़ रिलेटेड टू एनी करप्शन और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट तो शरद कुमार का नाम याद रखें राइट नाउ हुई इज द चेयरमैन ऑफ बी सी सी आई रॉजर बिनी राइट नाउ चेयरमैन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ आई सी सी आई आई सी सी यू नो इंडियन क्रिकेट क्रिकेट काउंसिल उसके जो चेयरमैन है जय शाह इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी आज हम ऑब्जर्व करें इंडियन एयरफोर्स डे ये आप याद रखें एंड फर्स्ट हमारे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो बने थे एस मुखर्जी वो भी आप याद रखें एस मुखर्जी एंड आठ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन एयर फोर्स डे राइट नाउ हु इज़ यू नो चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स रिसेंटली फर्स्ट अक्टूबर से बने हैं अमरप्रीत सिंह वो भी आप ज़रूर याद रखें विजोर द तो फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल होस्ट वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वुमेन्स की कौन सा स्टेट इसे होस्ट करने जा रहा है सो दिस विल भी होस्टेड बाय बिहार ओके डिफेंडिंग चैंपियन हमारे इंडिया ही है लास्ट ईयर हमने जीता था टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें अभी रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका मास्कट रिलीज किया गया एंड इस मास्कट का नाम इसमें मास्कट में बेसिकली विल फीचर गुड़िया गुड़िया इज़ इंस्पायर्ड बाय द बिहार्स स्टेट बर्ड द स्पैरो ओके तो गुड़िया इसका नाम रखा गया इस मास्केट का नवंबर से शुरुआत होगी ग्यारह से बीस नवंबर इसे यू नो बिहार होस्ट करेगा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में इसमें कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया है चाइना है थाईलैंड है मलेशिया साउथ कोरिया जब आर कंट्रीज़ इन दिस चैंपियनशिप जो होने जा रही है बिहार में विचर द फॉलोइंग विल होस्ट द मालावर नेवल एक्साइज 2024 ये कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है या कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी होस्ट करेगा सो दिस विल बी होस्टेड इन आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम ओके विशाखापट्टनम इसे होस्ट करेगा नेम ऑफ दिस एक्सर मालावर नेवल एक्सरज़ ये आप याद रखें यूरो नेवल याद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल एक्सरज़ जो फ्रांस यू नो होस्ट कर रहा है जो मैंने आपको कल क्वेश्चन में पूछा था यूरो नेवल एक्साइज भी जरूर याद रख लीजिएगा एंड दिस इज़ मालावार एक्साइज इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं देखो इसके पीछे भी हिस्ट्री इसमें टोटल चार कंट्रीज़ हैं ये इसमें फोकस किस में रहेगा इन दिस एक्सर स्पेशल ऑपरेशन सरफेस वारफेयर एयर वारफेयर एंटी सबमेरिन वारफेयर आर द मेन यू नो फोकस टू इंक्लूड इन दिस एक्सरसाइज अब इसमें इसकी शुरुआत हुई थी नाइनटीन नाइन्टी टू में इसमें पार्टिसिपेटिंग पाए पहले दो कंट्रीज़ की बटवीन होती थी बिटवीन इंडिया यू एस ने वी देन इसे ट्रायल लेटर बनाया गया जापान का इंक्लूड, इंक्लूड किया गया इन 2024 थाउजेंड अब ये चार मेंबर की बन चुकी है ओके कॉर्डिलेटर लाइक नेवल एक्सरसाइज अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड है ओके टोटल चार कंट्रीज हैं एक इंडिया है एक ऑस्ट्रेलिया है एक जापान है एंड एक है यू सबसे शुरुआत इसकी मालाबार की बिटवीन इंडिया एंड यू एस ए हुई थी नाइनटीन में सो ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे विच ऑफ तो द फॉलोइंग टीम हैज़ हैजोन ईरानी कप टाइटल 2024 आफ्टर ट्वेंटी सेवन ईयर्स तो ये जीत लिया है रानी कप टाइटल रिलेटेड टू द क्रिकेट तो आपको बताना है कि किसके द्वारा जीती गई है तो ये हो गई जी आपके आज के करंट अफेयर्स इसका आंसर अच्छा आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए बाकी आपके लिए डेली क्लासेस यूट्यूब पर चल ही रही हैं आपका सपोर्ट अगर हमें मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग इसी तरीके से वीडियोज़ को हमारे लाइक शेयर करते रहिए एंड पुलिस पुलिस एक्सपीरियंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्सपीरियंट्स हैं उनको डोंट नीड टू वरी देखो अगर आप डेली वीडियो वॉच कर रहे हो डोंट नीड टू लुक फॉर एनी अदर सोर्स आपका जी एस सेक्शन कवर हो जाएगा करंट अफेयर का एक भी सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं होगा बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू रिमेन यू नो पंक्चुअल आपको डेली वॉच करना है कोई चीज़ें मिस नहीं करनी है तभी एग्जाम आपका क्रैक हो पाएगा थैंक यू गैस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू टेक केयर वीडियो के पी डी एफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें बाय टेक केयर